यस, गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज। ओके, आज भी स्टूडेंट्स इतने ही हैं, तो जितने भी हैं जो नहीं है उनको बोल देना, बहाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब कोई फायदा नहीं होगा कि अब आराम करो। ओके, ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं पार्सिंग। ठीक है, सो राइट डाउन सेकंड चैप्टर, दैट इज पार्सिंग। और वी कैन से दैट सिंटैक्स एनालिसिस। ओके, तो सिंटैक्स एनालिसिस में देखते हैं। राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग द स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन ग्रामर इज कॉल्ड डेरिवेशन, और वी कैन से दैट पार्सिंग। ठीक है, सो वी कैन से दैट यस, द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग द स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन ग्रामर इज कॉल्ड डेरिवेशन और पार्सिंग, इजंट इट? सो अगर पार्सर्स की बात करें तो बेसिकली वी कैन से दैट पार्सर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज नोन एज टॉप डाउन पार्सर, सेकेंड वन इज बॉटम अप पार्सर। सो यू कैन राइट डाउन पार्सर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन वी कैन से दैट टॉप डाउन पार्सर, एंड सेकेंड वन वी कैन से दैट बॉटम अप पार्सर। ओके, सो वी कैन से दैट जो टॉप डाउन है इसमें जो पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट होगा वो रूट से स्टार्ट होगा, ठीक है, और आप बोल सकते हो लीव्स तक वो प्रोसीड करेगा। और बॉटम अप पार्सर है जो, उसमें आप बोल सकते हो ये अपना कहाँ से स्टार्ट करेगा, यस लीफ से स्टार्ट करेगा और रूट तक आपका प्रोसीड करेगा, इजंट इट? ओके, सो यू कैन राइट डाउन पार्स ट्री कंस्ट्रक्शन इन टॉप डाउन पार्सर। यस, पार्स ट्री कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम रूट एंड प्रोसीड्स टू चिल्ड्रन, और वी कैन से दैट लीव्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर वन ग्रामर, लेट से ए ए बी ई, एंड अगेन ए गोज टू ए बी सी और डी, और लेट से बी, एंड लेट से बी गोज टू डी। ये आपको एक ग्रामर गिवन थी, इजंट इट? और मान लो एक स्ट्रिंग भी आपको गिवन थी, लेट से डब्लू ए बी बी सी डी ई। तो इस गिवन स्ट्रिंग है, लेट से दिस इज द गिवन स्ट्रिंग एंड दिस इज द गिवन ग्रामर। तो इस ग्रामर का यूज करके स्ट्रिंग के लिए पार्स ट्री बनाएंगे, तो फर्स्ट प्रोडक्शन ये लेना पड़ेगा, एस गोज टू ए ए बी ई, देन वी कैन से दैट ए गोज टू ए बी सी, देन वी कैन से दैट ए गोज टू बी एंड बी गोज टू डी। तो बताओ लेफ्ट टू राइट रीड करोगे तो स्ट्रिंग आएगी या नहीं? यस, इजंट इट? सो आप बोल सकते हो, ये आप बोल सकते हो यस दैट इज द टॉप डाउन पार्सर, इजंट इट? रूट से स्टार्ट करेगा और लीफ तक चलेगा, इजंट इट? अगर बॉटम अप की बात करें तो यहाँ पे आप बोल सकते हो पार्स ट्री कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम चिल्ड्रन, और वी कैन से दैट लू लीव्स एंड प्रोसीड टू रूट। इजंट
इसके पहले कुछ नहीं, पार्सर यहीं से स्टार्ट किया, ये समझ लो पार्सर कुछ नहीं है, पार्स ट्री बनाना इज ए पार्सर। पहले नोट डाउन करो एग्जांपल, ध्यान से देखना। यस, एस गोज टू ए ए बी ई एंड लेट्स से ए गोज टू ए बी सी, और लेट्स से बी एंड बी गोज टू डी एंड लेट्स से स्ट्रिंग इज गिवन टू यू ए बी बी सी डी ई। तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपको स्ट्रिंग गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे, ए बी बी सी डी ई। तो क्या करेंगे ध्यान से देखना, यस पहले अपन सर्च करेंगे, यस बी किस में रिड्यूस हो सकता है, यस वी कैन से दैट ए में, यस और नो इजंट इट। उसके बाद आपकी स्ट्रिंग बन गई ए ए बी सी डी ई, ये आपके इंटरमीडिएट स्टेप्स। उसके बाद आप बोल सकते हो ए बी सी ये किस में रिड्यूस होंगे, ए में, ये आपने बोल दिया ए, देन आप बोल सकते हो डी ई। उसके बाद आप बोल सकते हो यस ए डी किस में होगा, बी में। उसके बाद आप बोल सकते हो यस ये चारों के चारों किस में रिड्यूस हो जाएंगे, यस एस में। तो इस वे में आपने जो ट्री कंस्ट्रक्ट किया ये बॉटम अप आप बोल सकते हो फैशन में आपने कंस्ट्रक्ट किया, कि जो स्ट्रिंग गिवन है उसके लिए रिडक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रिडक्शन लेते हुए चलेंगे और कहां तक पहुंच जाएंगे, रूट तक पहुंच जाएंगे, इजंट इट। सो दैट इज वी कैन से दैट बॉटम अप पार्सिंग, इजंट इट क्लियर है ये? सर हाँ जी ठीक है। तो ये आपने देखा बॉटम अप आपका यस पार्सर होता है, यस टॉप डाउन पार्सर आपका इस वे में होता है, इजंट इट ओके। तो यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो आपने पार्सिंग स्टार्ट की टॉप डाउन, इस टॉप डाउन को क्या बोलते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करता है टॉप डाउन पार्सर। इसका मतलब जैसे एस को आपने एक्सपेंड किया ए ए बी ई, तो उसके बाद लेफ्ट मोस्ट जो भी सिंबल है, जो भी आपका वेरिएबल उसको एक्सपेंड करेगा ए बी सी, उसके बाद नेक्स्ट लेफ्ट मोस्ट जो भी वेरिएबल उसको एक्सपेंड करेगा एंड सो। इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, मीन्स टॉप डाउन पार्सर यूजेस लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, इजंट इट क्लियर है? अब यस जरा सर ध्यान, हाँ जी क्लियर सर। हाँ दोनों में रिजल्ट तो सेम होगा ना, हाँ जी रिजल्ट तो सेम आएगा ना ट्री का। हाँ। रिजल्ट रिजल्ट क्या मीन्स, डेरिवेशन ट्री बनेगा। आप ये कह रहे हो कि अल्टीमेटली यहाँ पे रूट तक पहुंच जाओगे और यहाँ से रूट से आप स्ट्रिंग पे पहुंच जाओगे। बॉटम अप में स्ट्रिंग से रूट तक पहुंचना है, और टॉप डाउन में आप बोल सकते हो रूट से और स्ट्रिंग तक पहुंचना है, इजंट इट ओके। यस आप ध्यान से देखना, अगर मान लो ये बना तो बॉटम अप फैशन में है, यस और नो, टॉप डाउन आपका लेफ्ट मोस्ट आपका डेरिवेशन यूज करता है, मीन्स हर बार हर लेवल पे आप सबसे पहले लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट को एक्सपेंड करोगे, और ये जो इसको एक्सपेंशन बोलते हैं, कोई वेरिएबल के नीचे आपने कुछ आपने एक्सपेंड किया उसको एक्सपेंशन बोलते हैं, और जो स्ट्रिंग से आप जब रूट की साइड में आ रहे हो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जैसे बी स्टार्टिंग में किस में रिड्यूस हुआ, ए में, इजंट इट, ए में रिड्यूस हुआ, मींस बी के लिए आपको क्या मिला, हैंडल, इसको बोलते हैं हैंडल, इजंट इट। तो आप ध्यान से देखना, अगर ये जो बॉटम अप में पार्सर में जो आपने ट्री बनाया बॉटम अप अप्रोच में अप्रोच से, इस ट्री को अगर आप टॉप टू डाउन देखो तो ये कौन सा डेरिवेशन है, राइट मोस्ट है या नहीं, टॉप टू डाउन अगर देखो, आप देखो जरा, यस आपने देखा फर्स्ट लेवल पे ए ए बी ई, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वेरिएबल राइट मोस्ट बी था सर उसको एक्सपेंड किया आपने, फिर यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल था तो वो राइट मोस्ट मान सकते हैं उसको, यस उसको आपने एक्सपेंड किया, नेक्स्ट में भी एक ही वेरिएबल था। तो आप देखोगे कि अगर टॉप बॉटम अप पार्सर में जो ट्री को अगर आप बोल सकते हो कि अगर टॉप टू डाउन देखोगे रिवर्स मैनर में अगर देखोगे तो ये कौन सा डेरिवेशन यूज करता है, राइट मोस्ट राइट डेरिवेशन, मोस्ट क्लियर है ये चीज ओके। सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, यस टॉप डाउन पार्सर यूजेस लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, एंड वी कैन से दैट बॉटम अप पार्सर फॉलोज रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन।
रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन मींस अगर आप रिवर्स मैनर में देखते हो, मींस आप टॉप टू बॉटम अगर इस ट्री को देखते हो तो राइट मोस्ट डेरिवेशन आपको दिखेगा, नथिंग एल्स, इजंट इट? ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट वन. ओके, सो पहले अपन स्टडी करेंगे, यस, ये टॉप डाउन, ठीक है, उसके बाद अपन करेंगे बॉटम अप. किसी स्टूडेंट ने पूछा था प्रीवियस स्लाइड, जिनको लेना था ये था प्रीवियस स्लाइड पे और कुछ नहीं था. आगे बढ़े. यस सर. नेक्स्ट वन, सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे टॉप डाउन पार्सर. टॉप डाउन पार्सर, यस, इसकी कंडीशन है कि इसमें जो ग्रामर होनी चाहिए उसमें कोई लेफ्ट रिकर्शन नहीं होना चाहिए. नो लेफ्ट रिकर्शन इन द ग्रामर. ठीक है, लेफ्ट रिकर्शन आपने देखा था प्रॉब्लम क्रिएट करता है. No left factoring. Left factoring भी आपने देखा था प्रॉब्लम क्रिएट करती है. और ग्रामर में कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा. दीज आर द यस कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस वी कैन से दैट ऑन ग्रामर. तो इसमें जो पार्सर अपन पढ़ेंगे दैट इज नोन एज वी कैन से दैट प्रिडिक्टिव पार्सर. प्रिडिक्टिव पार्सर or it is also known as yes non recursive descent parser. Or it is also known as ll1 parser. It is also known as LL1 parser, isn't it? Okay. So LL1 का मीनिंग क्या होता है ये अपन देखेंगे, ठीक है. LR का मीनिंग क्या होता है, ठीक है. So यहाँ पे आप बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो LL1 and LR1 अपन जो बॉटम अप पार्सर्स होते हैं उसमें LR पार्सर्स होते ही. एक L आप यहाँ पे बोल सकते हो LL, ध्यान से देखना. इस एल का मतलब क्या हुआ, इस फर्स्ट एल का मतलब है यस रीडिंग लेफ्ट टू राइट. मींस आप जो भी स्ट्रिंग है उसको लेफ्ट टू राइट ही रीड करोगे. बट इस सेकंड एल का मतलब है इट यूजेस लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. इजंट इट? ओके. जो वन होता है अंदर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये लुक एड सिंबल से रिलेटेड होता है. लुक एड सिंबल अपन देखेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलएल1, इजंट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन. ध्यान से देखना, यस प्रेडिक्टिव पार्सर को अगर अपन पढ़ेंगे एलएल1, यहां से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, इजंट इट? तो यहां पे एलएल1 पार्सर अपन स्टार्ट करेंगे. एलएल1, एलएल1 पार्सर, ठीक है. तो इसको आप बोल सकते हो, ध्यान से देखना. लेट्स से ये अगर पार्सर की बात करें तो ये आपका LL1 पार्सर है. लेट्स से दिस इज LL1 पार्सर. तो जब पार्सिंग करेगा तो सबसे पहले बताओ इसको एक इनपुट स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट होगी जिसके लिए पार्स ट्री बनाएगा, इजंट इट? और जो भी इनपुट स्ट्रिंग है उससे एंड करेंगे एक डॉलर स्पेशल सिंबल से ताकि आपको इंडिकेशन मिले कि आपकी स्ट्रिंग क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, isn't it? और ध्यान से देखना, तो ये जब पार्सिंग करेगा तो पार्सिंग के टाइम पे ये एक स्टैक यूज करेगा, isn't it? ये स्टैक यूज करेगा और इस स्टैक के अंदर क्या पुश करेगा, जो आपने स्ट्रिंग के ऊपर स्ट्रिंग को जिससे एंड किया है स्पेशल सिंबल से वो इस स्टैक सिंबल बनाएगा. इसका मतलब स्टार्टिंग में इनिशियली जब स्टैक में कुछ नहीं है तो वहां पे क्या रखेंगे, एक स्पेशल सिंबल, दैट इज डॉलर. Or during parsing, we can say that this parser will use LL1 parsing table. ठीक है, LL1 parsing table. ठीक है, तो ये सारी चीजें use होंगी तब आपकी parsing होगी.
आप बोल सकते हो वन स्टैक इज यूज, वन पार्सिंग टेबल इज यूज और इनपुट स्ट्रिंग तो यूज होगी और उसके लास्ट में एक डॉलर साइन आप स्पेशल सिंबल आप बोल सकते हो अपेंड करोगे और वही स्पेशल सिंबल आपका क्या होगा स्टैक सिंबल जो इनिशियली स्टैक में आप पोस्ट करो. इजंट इट क्लियर है. तो यहाँ पे पहले पार्सिंग एल्गोरिदम लिखते हैं कि पार्सिंग होगी कैसे और वो एल्गोरिदम के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होगी, एक इनपुट स्ट्रिंग की और एक पार्सिंग टेबल की और एक स्टैक की. इजंट इट. पहले एक बार एल्गोरिदम देखते हैं व्हाट इज द एल्गोरिदम. सो राइट डाउन LL1 पार्सिंग एल्गोरिदम. LL1 पार्सिंग एल्गोरिदम. हाँ जी. तो फर्स्ट स्टेप क्या था आपका? यस, ये फर्स्ट स्टेप है इफ एक्स इक्वल इक्वल्स टू ए. मींस ये जो टॉप ऑफ द स्टैक है ये अगर लुक एट सिंबल के इक्वल है और ये डॉलर के भी इक्वल है तो आप बोल सकते हो डॉलर साइन के, देन आप बोल सकते हो द सक्सेसफुल यस कंप्लीशन ऑफ पार्सिंग. The successful completion of parsing. Isn't it? यहां पे आप बोल सकते हो then the successful completion of parsing. सेकेंड वन ध्यान से देखना. इफ टॉप ऑफ द स्टैक एक्स इज इक्वल्स टू ए लुक एट सिंबल बट इट इज नॉट इक्वल्स टू डॉलर, देन क्या करना है? पॉप टॉप ऑफ द स्टैक एंड इंक्रीमेंट द पॉइंटर, इंक्रीमेंट द इनपुट पॉइंटर. इजंट इट? दैट इज द सेकेंड स्टेप. एंड थर्ड स्टेप आप बोल सकते हो इफ एक्स इज ए वेरिएबल देन सी एक टेबल होगी जिसको मैं नाम दे रहा हूं एम एक्स कॉमा ए. ये एंट्री देखनी उस टेबल में जो LL1 पार्सिंग टेबल होगी और यहां पे आप बोल सकते हो इफ एम ऑफ x comma a is equals to x goes to u v w then replace x by u v w in reverse order. Fourth one, if m of x comma a equals to blank then we can say that there will be a parsing error. That is the algorithm. ध्यान से देखना, that is the algorithm. LL1 parsing algorithm. Simple सा algorithm है, कुछ याद नहीं करना आपको. अभी एक दो example करेंगे सारी चीजें clear हो जाएंगी. ठीक है, तो ये note down किया आपने सभी ने? Tell me. No sir. No sir. फटाफट नोट डाउन करो.
सर स्क्रीन नहीं दिख रही, विजिबल नहीं है स्क्रीन? नो सर। अब यस सर अब आ गई, चलो ब्राउजर दिख रहा था सर आपका। ओके अब ठीक है सर। नोट किया सर। हाँ जी माधवी जी अब समझ आएगा, अभी समझाना अब बाकी है, एल्गोरिदम लिखा आपने, अब देखते हैं समझ अब आएगा। ठीक है ओके। तो एक ग्रामर मैं ले रहा हूं, इसके स्टेप्स आपने देखने, एक बार स्टेप्स देखो ध्यान से देखना। फर्स्ट स्टेप क्या लिखा हुआ है कि एक्स आपका क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक, ए आपका लुक एट सिंबल, अभी बताऊंगा लुक एट सिंबल क्या है। अगर टॉप ऑफ द स्टैक अगर लुक एट सिंबल के इक्वल है और दैट इज डॉलर के भी इक्वल है, देन वी कैन से दैट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पार्सिंग। इफ ये टॉप ऑफ द स्टैक आपका लुक एट सिंबल के इक्वल है बट दीज आर नॉट इक्वल्स टू डॉलर, देन क्या करना है, टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप करना है और इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है। थर्ड कह रहा है अगर टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स कैपिटल लेटर, तो आपको टेबल में ये पर्टिकुलर एंट्री देखनी है एक्स कोमा ए, और यहाँ पे मान लो कोई यस ऐसा प्रोडक्शन है, तो आपको क्या करना है, रिप्लेस एक्स बाई यू वी डब्ल्यू इन रिवर्स ऑर्डर, ये यू वी डब्ल्यू था ठीक है, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। ठीक है क्लियर है। फोर्थ वन आप बोल सकते हो अगर ये ब्लैंक कोई एंट्री नहीं मिलती है तो आप बोल सकते हो पार्सिंग एरर, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं उसके बाद आपको क्लियर होगा ये। सो राइट डाउन वन एग्जाम्पल ध्यान से देखना। लेट्स से आपको गिवन है एक ग्रामर गिवन है, ई गोज टू टी ई डैश, ई डैश गोज टू लेट से ई डैश गोज टू एप्सिलॉन और प्लस टी ई डैश, एंड टी गोज टू एफ टी वन, देन टी डैश गोज टू एप्सिलॉन और स्टार एफ टी डैश, एंड एफ गोज टू आई डी और यस ब्रेकेट यस दिस वन। क्लियर है इतना। उसके बाद ध्यान से देखना, आपको एक स्ट्रिंग गिवन है जो पार्स करनी है, दैट इज डब्ल्यू इक्वल्स टू लेट से आई डी प्लस आई डी इंटू यस आई डी, ये पार्स करनी है आपको स्ट्रिंग। उसके बाद मान लो आपको जो पार्सिंग टेबल है दैट इज ऑल्सो गिवन, लेट से दिस इज गिवन टू यू पार्सिंग टेबल, एंड टेबल नेम इज वॉट एम, Isn't it? Table name is what? M. तो इस parsing table में yes, ये entries होंगी सारी, ध्यान से देखना। यहाँ पे इसमें rows के जो headers हैं, table name is M. यहाँ पे first एक variable था E, एक variable था E dash, एक variable था T, एक variable था T dash, और एक variable था आपका that is F. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो आईडी आपका एक इनपुट है, एक प्लस आपका यस बोल सकते हो टर्मिनल है, एक स्टार आपका टर्मिनल है, एक ओपन ब्रैकेट आपका टर्मिनल है, एक क्लोज ब्रैकेट आपका टर्मिनल है, और एक डॉलर जो आपने स्पेशल सिंबल अज्यूम किया था उसके लिए एंट्री है। ये आपको गिवन है जो भी है टेबल, बाद में अपन देखेंगे कंस्ट्रक्ट कैसे की जाती है, इसमें ये टेबल आपको गिवन है, ये एंट्री क्या है प्लस टी ई डेस। क्लियर है ओके। ये एंट्री है टी गोज टू एफ टी डेस, ये एंट्री है टी डेस गोज टू एप्सिलॉन, ये एंट्री है एफ गोज टू आई डी, उसके बाद ये एंट्री है टी डेस गोज टू स्टार एफ टी डेस, ये एंट्री है ई गोज टू टी ई डेस, ये एंट्री है टी गोज टू एफ टी डैश, एंड ये एंट्री है एफ गोज टू दिस वन, ई गोज टू एप्सिलॉन, ये आप बोल सकते हो नेक्स्ट वन टी डैश गोज टू एप्सिलॉन, एंड ई डैश गोज टू एप्सिलॉन, एंड दिस इज टी डैश गोज टू एप्सिलॉन, ये एंट्रीज है आपकी। ठीक है
ये पार्सिंग टेबल आपको गिवन है, LL1 पार्सिंग टेबल, ठीक है। अब ध्यान से देखना एल्गोरिदम कैसे लगाना है, ध्यान से देखना। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी स्ट्रिंग गिवन है इसके आगे आप डॉलर साइन लगा दो, इजंट इट, डॉलर साइन पुट किया आपने। उसके बाद ध्यान से देखना स्टैक का यूज करोगे, और ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले स्टैक में क्या होगा, डॉलर साइन, इजंट इट, कोई डाउट है इसमें? ओके, स्ट्रिंग को मैं इधर लिख लेता हूँ, ध्यान से देखना। स्ट्रिंग आपकी थी W इक्वल्स टू, जो भी W मीन स्ट्रिंग है कोई, ID प्लस ID इनटू ID एंड एंडेड बाय द डॉलर साइन, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फिर कहोगे सर समझ नहीं आया। आप सबसे पहले आपका इनपुट पॉइंटर कहाँ पे होगा, यस सबसे पहले आप बोल सकते हो इनपुट पॉइंटर कहाँ पे होगा आपका, यस फर्स्ट जो भी आपकी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के फर्स्ट सिंबल पे आईडी यहाँ पे पॉइंटर होगा, दैट मींस दिस इज द लुक एट सिंबल, इजंट इट, दैट मींस वी आर लुकिंग फॉर आईडी इन द स्ट्रिंग, बिकॉज फर्स्ट सिंबल इज आईडी इन द स्ट्रिंग। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखना, जो भी स्टार्ट सिंबल था ग्रामर का उसको पुश कर देंगे, यस सबसे पहला काम क्या करोगे, स्टार्ट सिंबल है ग्रामर का ई, उसको पुश किया। अब क्या देखोगे, ध्यान से देखना, अब आपने बताओ आप एल्गोरिदम आपने देखा, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, वेरिएबल है, तो कौन सा स्टेप लगाओगे, थर्ड, यस और नो? हाँ जी इजंट इट, यस सर, हाँ जी। तो आप यहाँ पे बोलना, ध्यान से देखना यहाँ पे आप क्या करोगे, ध्यान से देखना यहाँ पे आप देखना, यस वी कैन से दैट, यस यू ओनली टेल मी, यस यहाँ पे आपने क्या किया, आप क्या करोगे, तो टेबल में एंट्री कौन सी देखोगे, ई कॉमा आईडी, ये वाली एंट्री देखोगे, देखा उसमें सी एम ऑफ ई क्या लिखा है, यस एक्स कॉमा ए, तो यहाँ पे एक्स क्या है, ई, तो यहाँ पे ई टॉप ऑफ द स्टैक है, उसकी एंट्री किसके करस्पोंडिंग देखोगे, लुक एट सिंबल के करस्पोंडिंग। तो यहाँ पे टेबल में क्या है ये, हाँ जी, एक आपने डेरिवेशन देखा E goes to T E dash, तो ये जैसे U V W था, तो इसको ध्यान से देखना, ये T E dash जो भी राइट में लिखा है इसको स्टैक में पुश करना है रिवर्स मैनर में, मींस इस E को रिप्लेस करना है, तो E को रिप्लेस करोगे और यहाँ पे पुश क्या करोगे, पहले E dash देन क्या पुश करोगे, T। इस स्टेप में कोई डाउट है तो बोल देना, फिर बाद में मत बोलना। हाँ जी बोलिए जरा, इस स्टेप में किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो अभी बोल देना, कोई डाउट नहीं है, फिर बाद में मैं नहीं बोलने वाला। आईडी से कैसे लिया? हाँ जी आईडी आपने देखा थर्ड स्टेप में लिखा था, टेबल में क्या देखोगे, एक्स कॉमा ए, ये वाली एंट्री ये देखोगे, यस सर। तो एक्स क्या था वहां पे, एल्गोरिदम में एक्स क्या था, टॉप ऑफ द स्टैक, और ए क्या था, लुक अहेड सिंबल। हाँ तो यहाँ पे लुक अहेड सिंबल क्या है, आईडी, इनपुट पॉइंटर है, इजंट इट। तो आपको क्या करना है, यस टॉप ऑफ द सिंबल आपका, टॉप ऑफ द स्टैक ई था, और ये आईडी, ई और ई एथ रो में और आई आईडी वाले कॉलम में जो एंट्री है वो देखी आपने, यस और नो? बट यू वी डब्ल्यू के रिवर्स ऑर्डर में, मीन्स पहले डब्ल्यू पुश करोगे फिर वी फिर यू। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन गिवन था ई गोस टू टी ई डैश, तो पहले किसको पुश करोगे, ई डैश को फिर टी को, और E को रिप्लेस कर दोगे, E को हटा दोगे। अब बोलिए कोई डाउट है? हाँ जी टेबल मिलेगी आपको, अब बोलिए कोई डाउट है तो। नो सर, आगे सभी को क्लियर है इतना? यस सर। अभी भी कोई डाउट है तो बोल देना, मैं पहले बता दे रहा हूं।
फिर आगे अगर ये डाउट है तो आगे फिर कुछ नहीं होगा, पहले बता दे रहा हूं। जिस भी स्टूडेंट को अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो बोल देना, अभी पहले बोल रहा हूं। आगे बढ़े? यस सर। हां जी, अब जरा मुझे बताना, अब टॉप ऑफ द, अब ध्यान से देखना, अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? टी। और अगेन आपका आईडी पे आपका क्या है? लुक एट सिंबल, सेम। तो बताओ टी ऑन आईडी देखोगे तो टी ऑन आईडी ये वाला प्रोडक्शन है, तो बताओ इस टी को रिप्लेस करेंगे इसका राइट हैंड साइड को रिवर्स मैनर में पोस्ट करोगे टी डैश एफ। अब एफ ऑन आईडी देखोगे तो यस एफ ऑन आईडी, यस तो ये आईडी है, तो इस एफ को किससे रिप्लेस करोगे? राइट हैंड साइड से, वो उसमें एक ही सिंबल आईडी से। वो डाउट है इसमें अभी तक? बोल देना। नो सर। हाँ आप बताओ ये टॉप ऑफ द स्टैक आपका लुक एट सिंबल से मैच कर रहा है? यस सर। तो कौन सा स्टेप लगेगा? स्टेप टू। स्टेप टू लगेगा तो आपका टॉप ऑफ द स्टैक इज इक्वल्स टू लुक एट सिंबल एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू डॉलर। तो क्या करना है? टॉप क्या कर दोगे? टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप करोगे, आईडी को पॉप कर दिया, और आप क्या करोगे? पॉइंटर को इंक्रीमेंट करोगे, एजेंट इट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया आपने, तो पॉइंटर आ गया प्लस पे। क्लियर है? यस सर। अब बताओ टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? टी डैश। उसको प्लस पे देखोगे, टी डैश को प्लस पे। सो टी डैश को प्लस पे देखोगे तो ध्यान से देखना, टी डैश को प्लस पे देखोगे। अब आप मुझे अल्टरनेटिवली एक और चीज बताना, अभी इससे पहले आपने अभी तक जो भी आपने किया यहां तक आप मुझे बताना, पहले आपने कौन सा प्रोडक्शन यूज किया था? ये वाला किया था, E goes to T E dash, ये किया था या नहीं? यस सर। यस सर। आप कौन सा यूज किया था आपने? T goes to F T dash। अभी तक दो ही प्रोडक्शन यूज किए आपने। यस सर। और एक और किया था F goes to I D, ये भी किया था। तीन प्रोडक्शंस आपने यूज किए थे अभी तक, ठीक है? तो ये ट्री बनता जा रहा है। हमेशा लेफ्ट वाले को ही बताओ, आप लेफ्ट वाले को ही एक्सपेंड कर रहे हो? यस सर। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज हो रहा है। ओके, अभी आपका इनपुट पॉइंटर कहां पे था? प्लस पे। और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? टी डैश। तो टी डैश ऑन प्लस देखना, वो क्या है? टी डैश गोज टू एप्सिलॉन, यस और नो? तो बताओ इस टी डैश को, जो स्टैक के अंदर टी डैश है, इसको किससे? राइट हैंड साइड एप्सिलॉन से रिप्लेस करोगे। Isn't it? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मींस नथिंग, नल स्ट्रिंग, कुछ नहीं है। इसका मतलब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है अभी? E-dash. अब E-dash को किस पे देखोगे? प्लस पे। तो E-dash को प्लस पे देखोगे तो क्या है? प्लस टी E-dash. तो इस E-dash को रिप्लेस करोगे, यस, ये इसमें इंसर्ट करोगे, जो भी है पहले E-dash ही आएगा, फिर क्या आएगा? टी आएगा, फिर प्लस आएगा। Isn't it clear है? Isn't it? Okay. तो इसके बाद आपने जो यूज किया था डेरिवेशन, जो एक्सपेंशन, दैट इज टी डैश गोज टू एप्सिलॉन, और उसके बाद ई डैश गोज टू ई डैश टी प्लस टी प्लस टी ई डैश, ये यूज किया था। Isn't it? Okay. अब बताओ जो टॉप ऑफ द स्टैक आपका है प्लस, वो प्लस से मैच हो गया तो इस प्लस को पॉप कर देंगे और टॉप ऑफ द स्टैक, सॉरी, इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो अब इनपुट पॉइंटर कहां पे आ जाएगा? आईडी पे। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? टी है। टॉप ऑफ द स्टैक अगर अब आपका टी है तो आप मुझे बताना, ध्यान से देखना, अब टी को आईडी पे देखोगे तो टी आईडी पे क्या है? टी गोज टू एफ टी डैश। तो इस टी को किससे रिप्लेस करोगे? टी डैश। टी डैश एफ से, रिवर्स मैनर में। अब एफ ऑन आईडी देखोगे तो क्या है? एफ ऑन आईडी इज आईडी, एफ गोज टू आईडी, तो इस एफ को राइट हैंड साइड से रिप्लेस करोगे। उसके बाद आईडी से आईडी मैच हुआ तो आईडी को पॉप करोगे और उसके बाद पॉइंटर आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, कहां पे आ जाएगा? स्टार पे आ जाएगा। Isn't it? अब बताओ टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? टी डैश। Isn't it? टी डैश को कहां पे देखोगे? स्टार पे। टी डैश को स्टार पे देखना,
टी डैश को स्टार पे देखोगे तो ये वाला प्रोडक्शन है, तो इस टी डैश को रिप्लेस करेंगे, इधर लिख रहा हूं मैं लेफ्ट में, टी डैश से, देन एफ से एंड देन स्टार से। अब आपने देखा स्टार से स्टार मैच हुआ तो पॉप करेंगे, और पॉप करने के बाद इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, एफ, एफ ऑन आईडी क्या है, एफ ऑन आईडी इज एफ गोज टू आईडी, तो इस एफ को रिप्लेस करेंगे आईडी से। अब आईडी से आईडी मैच हुआ तो पॉप करेंगे, पॉप करने के बाद इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे। अब बताओ टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, टी डैश को डॉलर पे देखेंगे, सो टी डैश ऑन डॉलर क्या है, टी डैश गोज टू एप्सिलॉन, तो इस टी डैश को रिप्लेस करेंगे एप्सिलॉन से। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या बचेगा, हाँ जी बोलिए, ईडैश, तो ईडैश ऑन डॉलर देखना जरा क्या है, ईडैश ऑन डॉलर क्या है, ईडैश गोज टू एप्सिलॉन, तो इस ईडैश को रिप्लेस करेंगे एप्सिलॉन से। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, डॉलर, डॉलर, और डॉलर डॉलर से मैच हो रहा है, मींस टॉप ऑफ द स्टैक इज इक्वल्स टू, यस, लुक एट सिंबल एंड दैट इज इक्वल्स टू डॉलर, दैट मींस वी कैन से दैट सक्सेसफुल कंप्लीशन, कोई डाउट है इसमें। और ये ट्री अकॉर्डिंगली जो भी आप डेरिवेशन, जो भी आप प्रोडक्शन यूज कर रहे हो वो लिखते जाओगे तो कंप्लीट ट्री आपका बनता जाएगा, इजंट इट। और लास्ट में लेफ्ट टू राइट अगर रीड करोगे तो ये स्ट्रिंग आपको मिलेगी, कोई डाउट है इसमें, क्लियर है? हाँ जी, अगर क्लियर है तो एक और स्ट्रिंग के लिए आप ट्राई करो, एक और स्ट्रिंग मैं आपको दे रहा हूं, लेट से ये W इक्वल्स टू आई डी इंटू आई डी प्लस आई डी डॉलर, इसके लिए ट्राई करो। डॉलर मैंने पुट कर दिया है, स्ट्रिंग तो डॉलर से पहले वाली होगी बट डॉलर मैंने अपेंड कर दिया है, एक बार सेम एल्गोरिदम ट्राई करो, ठीक है? हाँ जी, नोट की ये स्ट्रिंग, यस सर, और ये टेबल आपने नोट डाउन कर ली थी, यस सर, हाँ जी वो सर, हाँ फटाफट फटाफट नोट डाउन करो, छोटा कर दीजिए सर इसको, साइड में लिख दीजिए जो लिखना है। नहीं मेरे को लिखना नहीं है, मेरे को कुछ काम है बैकग्राउंड में, तो मैं शेयरिंग स्टॉप करूंगा एक बार, एसएस ले लिया सर, निकाल दीजिए, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया सर, कर दीजिए, ठीक है ठीक,
हाँ जी ये स्ट्रिंग आपको गिवन है, विजिबल है स्ट्रिंग, ये पूरी जो स्लाइड है विजिबल है सभी को? यस सर। हाँ जी ट्राई करो एक बार, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं पार्सिंग एरर। ट्राई करो एक बार, पार्सिंग एरर नहीं आएगा, कोई मिस्टेक किया आपने। सक्सेसफुल होगा
एरर आ रहा है, सक्सेसफुल है। यस टेल मी, सक्सेसफुल है सर। हाँ जी है, जिनका एरर आ रहा है उन्होंने मिस्टेक की है। एक बार मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना, फिर से बता रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। ओके, आप मुझे बताओ जरा। यस यू ओनली टेल मी, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, ओके। स्ट्रिंग आपकी गिवन थी w इक्वल्स टू id इनटू id प्लस id एंडेड बाय डॉलर, और यहां पे आपने एक स्टैक बनाया स्टैक में डॉलर था। इनिशियली क्या पुट करोगे? स्टार्ट सिंबल e। स्ट्रिंग थी आपकी w इक्वल्स टू id इनटू id प्लस वन, id plus id, उसके बाद eid था, ठीक है। तो e on id देखेंगे तो ध्यान से सुन लेना, e on id तो ये आपका एक प्रोडक्शन है, तो जो भी स्टैक में है उसको रिप्लेस राइट हैंड साइड में जो भी है उसको रिवर्स मैनर में इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे ई डैस आएगा, यहाँ पे टी आएगा, उसके बाद टी ऑन आईडी क्या आएगा? टी ऑन आईडी दैट इज एफ टी डैस, तो इसको किससे रिप्लेस करोगे? टी डैस एफ से। उसके बाद एफ ऑन आईडी, तो एफ ऑन आईडी इज आईडी, एफ गोज टू आईडी, तो इस एफ को किससे रिप्लेस करोगे? राइट हैंड साइड को रिवर्स मैनर में, राइट हैंड साइड में एक ही सिंबल है तो आईडी रहेगा। अब आईडी से आईडी मैच हो गया तो इसको पॉप कर दोगे और पॉइंटर को इंक्रीमेंट करोगे, इजंट इट क्लियर है? ओके, पॉइंटर को इंक्रीमेंट करोगे तो अब आपका ये स्टार आ गया, टॉप ऑफ द स्टार स्टैक क्या है? टी डैश। तो टी डैश ऑन स्टार देखोगे तो क्या है? टी डैश गोज टू स्टार एफ टी डैश, इस टी डैश को रिप्लेस करोगे टी डैश एफ एंड स्टार। अब स्टार से स्टार मैच हुआ तो पॉप करोगे और इनपुट पॉइंटर को आगे ले जाओगे। अब इनपुट किस पे है? ओपन ब्रैकेट पे, एंड टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? एफ। तो एफ ऑन ओपन ब्रैकेट क्या आएगा? यस, ओपन ब्रैकेट ई क्लोज ब्रैकेट, तो इस एफ को रिप्लेस करोगे रिवर्स मैनर में, तो क्लोज ब्रैकेट देन ई देन ओपन ब्रैकेट। अब ओपन ब्रैकेट से ओपन ब्रैकेट मैच हुआ तो पॉप करोगे और पॉइंटर को आगे लाओगे तो आईडी पे आएगा। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? ई ई ऑन आईडी, ये है टी ई डैश, तो इसको रिप्लेस करोगे इससे ई डैश टी, यस और नो? अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? टी टी ऑन आईडी दैट इज एफ टी डैश, इसको रिप्लेस करोगे रिवर्स मैनर में, राइट हैंड साइड टी डैश एफ। उसके बाद देखोगे एफ ऑन आईडी, एफ ऑन आईडी आप बोल सकते हो क्या आएगा? एफ गोज टू आईडी, तो एफ को रिप्लेस करोगे आईडी से। अब टॉप ऑफ द स्टैक लुक एट सिंबल से मैच हुआ तो पॉप करोगे और पॉइंटर को इंक्रीमेंट करोगे। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? टी डैश ऑन प्लस, तो वो क्या है? टी डैश गोज टू एप्सिलॉन, तो टी डैश को एप्सिलॉन से आप रिप्लेस करोगे। एप्सिलॉन मींस नथिंग, नल स्ट्रिंग, कुछ नहीं। उसके बाद टॉप ऑफ द स्टैक क्या बचा? अब ई डैश ऑन प्लस, ई डैश ऑन प्लस इज प्लस टी ई डैश, तो इस ई डैश को रिप्लेस करोगे ई डैश, और फिर क्या है? टी एंड देन प्लस, प्लस से प्लस मैच हुआ तो क्या करोगे? पॉप करोगे और पॉइंटर को आगे ले जाओगे। आप टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? टी टी ऑन आईडी, टी ऑन आईडी इज एफ टी डैश, तो इसको रिप्लेस करोगे टी डैश एफ से, और अब आपका टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? एफ, एफ ऑन आईडी इज एफ गोज टू आईडी, इस एफ को रिप्लेस करोगे आईडी से, आईडी से आईडी मैच हुआ तो पॉप करोगे
पॉइंटर को इंक्रीमेंट करोगे क्लोज ब्रैकेट, सो टी डैश ऑन क्लोज ब्रैकेट टी डैश गोज टू एप्सिलॉन, तो यहाँ पे एप्सिलॉन से रिप्लेस करोगे आप, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है आपका ई डैश ऑन क्लोज ब्रैकेट दैट इज ई गोज टू ई डैश है ये, सॉरी ये ई डैश था, ठीक है, क्योंकि जिस भी रो में आपका जो वेरिएबल है दैट इज ई डैश ओनली, सो ई डैश गोज टू एप्सिलॉन, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ध्यान से देखना ई डैश को रिप्लेस कर दोगे एप्सिलॉन से, अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है आपका क्लोज ब्रैकेट, ये देखो क्लोज ब्रैकेट टॉप ऑफ द स्टैक है, ये क्लोज ब्रैकेट से क्लोज ब्रैकेट आपका क्या हुआ मैच, मैच हुआ तो इसको पॉप करोगे इजंट इट, पॉप करने के बाद इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करोगे, अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है टी डैश ऑन डॉलर, टी डैश ऑन डॉलर इज व्हाट टी डैश गोज टू एप्सिलॉन, तो टी डैश को एप्सिलॉन से रिप्लेस करोगे, अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है आपका यस क्या है ई डैश, यस और नो, यस सर, वो ई डैश ऑन डॉलर क्या है ई डैश ऑन डॉलर इज ई डैश गोज टू एप्सिलॉन, तो ई डैश को रिप्लेस करोगे एप्सिलॉन से, अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है डॉलर, डॉलर से डॉलर मैच हुआ टॉप ऑफ द स्टैक इज लुक एट इक्वल टू लुक एट सिंबल दैट इज इक्वल टू डॉलर, तो आप बोल सकते हो दैट इज सक्सेसफुल कंप्लीशन, और जिस वे में आपके जो जो प्रोडक्शन आए वो सारे आप ट्री में लिखते जाना, आपका ट्री बनेगा और ये स्ट्रिंग मिलेगी, और डाउट है किसी स्टूडेंट को टेल मी, हाँ जी बोलना जरा, क्लियर है सर, हाँ जी एक बार ट्री बनाओ सभी, हाँ जी क्वेश्चन आएगा कि इसमें स्टैक की हाइट क्या होगी, LL1 पार्सिंग एल्गोरिदम लगाओगे, ये पार्सिंग टेबल है, ये स्ट्रिंग आपको गिवन है, तो स्टैक की हाइट कितनी रिक्वायर्ड होगी, कितने रिक्वायर्ड होगी बोलो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, या कोई पार्सिंग एरर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है, एक बार ट्री बनाओ सभी फटाफट, जो आपने ध्यान से देखना फर्स्ट आपने प्रोडक्शन लिया उसके अकॉर्डिंगली ट्री बनाओ एक बार, फिर सेकंड जो आपने प्रोडक्शन लिया वो लिखोगे, फिर थर्ड फिर फोर्थ, सारे सेम वे में एक बार ट्री बना के देखो, बना ट्री, यस सर, अगर ट्री बना है तो ट्री की लेवल, ट्री में कितने लेवल्स होंगे बता सकते हो, हाँ जी जिन्होंने ट्री बनाया वो लेवल्स बताओ जरा,
अभी किसी स्टूडेंट ने बोला यस सर, तो लेवल भी बताना चाहिए फिर आपको। सर थोड़ा सा आएगा सर, नहीं थोड़ा सा नहीं, पूरा बना के बताना चाहिए। कुछ नहीं है, जब ये एल्गोरिदम आपने परफॉर्म कर रहे थे तो जो जो आप प्रोडक्शन यूज कर रहे थे वहां वहां पे एक्सपेंशन करते जाओ। सबसे पहले आपने कौन सा प्रोडक्शन यूज किया था, फिर कौन सा किया था, फिर कौन सा किया था, सेम वेनर। लेवल्स पूछ रहा हूं, नहीं नाइन। यस निशांग जी, यस योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट टाइम क्या करना, नेक्स्ट टाइम क्या करना, नाइन लेवल्स आएंगे। जैसे जो प्रोडक्शन आप टेबल से यूज कर रहे हो उसको लिख लेना, फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्शन यूज हुआ। साइड में सेकंड टाइम जो प्रोडक्शन है उसको लिख लेना। थर्ड टाइम प्रोडक्शंस पैरेलली एक बार लिख लेना, पहले ये यूज हुआ, फिर ये एंड सो ऑन, इजंट इट? ओके, तो राइट डाउन वन मोर प्रॉब्लम। ठीक है, उसमें आपको ट्री पैरेलली मींस आप लिख लेना, पहले ये प्रोडक्शन यूज हुआ, फिर ये प्रोडक्शन यूज हुआ, फिर ये प्रोडक्शन यूज हुआ, फिर ये हुआ। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फोर्थ टाइम पे कौन सा एक्सपेंशन, कौन सा प्रोडक्शन यूज करोगे, इजंट इट? और फोर्थ एक्सपेंशन क्या होगा, कौन सा प्रोडक्शन यूज कर रहा होगा, इजंट इट? ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट्स आए तो बोल देना। इस बार आपको ग्रामर गिवन है, S goes to this one, A, answer is 9. S L dash, then L dash goes to epsilon or comma S L dash, and parsing table is given to you. ये जो LL1 पार्सिंग टेबल है, इसमें आपने देखा जो रोज कितनी आएंगी, जितनी इस ग्रामर में वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, कैपिटल लेटर्स 3, और कॉलम्स कितने आएंगे, जितने इसमें क्या है, टर्मिनल्स, जैसे ए हो गया, कोमा हो गया, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, और एक डॉलर के लिए भी एंट्री आएगी। ये कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे अपन, ध्यान से देखना, ये कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। S goes to A, S goes to this one, L goes to S L dash, and L goes to S L dash, and L dash goes to comma S L dash, and this L dash goes to epsilon. Or string आपको given है, yes, this one, A comma A comma E. Yes, ये स्ट्रिंग गिवन है, डॉलर आप अपेंड करोगे और उसके बाद पार्सिंग एल्गोरिदम लगाओ। ठीक है, और बताओ स्टैक की कितनी हाइट होगी।
हाँ जी देखते हैं जरा, पार्सिंग एरर तो नहीं आ रहा। एंट्री नहीं है तो लास्ट स्टेप देखो जरा क्या लिखा था पार्सिंग एल्गोरिदम का। हाँ जी सोनिया जी, एल्गोरिदम आपने लिखा था वहां पे, लास्ट स्टेप क्या लिखा था आपने? हाँ तो अगर कहीं पे एंट्री ब्लैंक मिल रही है तो वहां पे वो आंसर होगा, फिर पार्सिंग एरर मींस ये स्ट्रिंग एरर आपकी पार्स नहीं हो पाएगी इस ग्रामर से, इस पार्सिंग टेबल से। ओके तो जरा देखते हैं एक बार, यहां पे आप अपेंड कर लोगे डॉलर, ये आपका स्टैक था इनिशियली, इसमें क्या होगा? यस डॉलर। सो इनपुट आपका पॉइंटर लुक एट सिंबल क्या होगा? ओपन ब्रैकेट स्टार्टिंग में क्या करेंगे? एस, इसमें क्या करेंगे? पोस्ट करेंगे, इजंट इट? ओके एस इसमें पोस्ट करेंगे, तो ध्यान से देखना। एस ऑन ओपन ब्रैकेट क्या है? एस गोज टू ओपन ब्रैकेट एल क्लोज ब्रैकेट, तो इसको एस को रिप्लेस करेंगे क्लोज ब्रैकेट देन एल देन ओपन ब्रैकेट, यस और नो? ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताना नेक्स्ट वन। यस ये आपने रिप्लेस किया, उसके बाद ओपन ब्रैकेट से ओपन ब्रैकेट आपका मैच हुआ तो पॉप कर देंगे। yes, और इनपुट पॉइंटर कहां पे आएगा? ए पे। अब टॉप ऑफ द स्टैक एल है, एल ऑन ए दैट इज एस एल डैश, तो इसको रिप्लेस करेंगे एल डैश एस से, देन एस ऑन ए दैट इज एस गोज टू ए, तो इसको रिप्लेस करेंगे ए से। अब ए से मैच हुआ तो इसको पॉप करेंगे और पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे, पॉइंटर आ जाएगा कोमा पे। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? एल डैश ऑन कोमा दैट इज कोमा एस एल डैश, तो इसको रिप्लेस करेंगे एल डैश एस एंड कोमा। कोमा से कोमा आपने देखा मैच हुआ तो इसको पॉप करेंगे और पॉइंटर को आगे ले जाएंगे ए पे। टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? एस एस ऑन ए, यस यू ऑनली टेल मी, एस ऑन ए, एस ऑन ए क्या है? एस गोज टू ए, तो इसको राइट हैंड साइड ए से रिप्लेस करेंगे, देन ए से मैच हुआ तो पॉप करेंगे, आगे पॉइंटर आएगा कोमा पे, तो एल डैश ऑन कोमा, यस यू ऑनली टेल मी, यस एल डैश ऑन कोमा, यस टेल मी, एल डैश एस कोमा, हाँ तो एल डैश ऑन कोमा इज कोमा एस एल डैश, तो इसको रिप्लेस करेंगे एल डैश एस एंड कोमा। अब टॉप ऑफ द स्टैक कोमा है, कोमा से कोमा मैच हुआ तो पॉप करेंगे, पॉइंटर को आगे लाएंगे ए पे। अब आपने देखा एस गोज टू ए, तो क्या है? एस गोज टू ए, एस ऑन ए, तो एस को रिप्लेस करेंगे ए से, और आपने देखा ए से मैच हुआ तो पॉप करेंगे और पॉइंटर आगे आएगा क्लोज ब्रैकेट पे। नाउ एल डैश ऑन क्लोज ब्रैकेट इज एल डैश गोज टू एप्सिलॉन, तो इसको आप एप्सिलॉन से रिप्लेस करोगे। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज से क्लोज मैच हुआ तो इसको पॉप करोगे, पॉइंटर आगे आएगा। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? बोल सकते हो डॉलर, डॉलर इज मैचिंग विद डॉलर, इजंट इट? सो वी कैन से दैट दैट इज वी कैन से दैट डॉलर इज मैचिंग विद डॉलर एंड दैट इज इक्वल्स टू डॉलर, तो आप बोल सकते हो यस दैट इज यस सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ पार्सिंग। आपने अगर जरा ऑर्डर लिखा हो तो बताना जरा पहले कौन सा यूज हुआ था प्रोडक्शन, टेल मी सबसे पहले ये वाला हुआ था? यस सर। सेकंड टाइम बताना जरा किसी ने लिखा हो तो, एल टू एस एल डैश कौन सा आया था? एल एल टू एस एल डैश, एल टू कहां पे आ गया सर? एल से एस एल डैश। हाँ थर्ड वन कौन सा यूज हुआ था? एस से ए। फोर्थ वन
करेक्टली बताना। उसी टाइम पे लिख लेना चाहिए था आपने को। एलडेस से कॉमा एस एलडेस। उसी टाइम पे पैरेलल ही लिख लेते तो बेटर रहता। कॉमा एस एलडेस हाँ जी, उसके बाद। एस से ए हाँ जी, नेक्स्ट वन। एलडेस से एप्साइलन। यही हुआ था क्या? यस सर, एलडेस से नो एप्साइलन। नो सर, कॉमा कॉमा एस एल डैश। उसी साइड में आपने पैरेलली अगर नहीं लिखा तो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। आपने किसी स्टूडेंट ने पैरेलली लिखा था? पैरेलली किसी स्टूडेंट ने लिखा था उस टाइम? नहीं इतना ही लिखा था सर, जो भी बता लिखा दीजिए। था तो यस सर। लिखना चाहिए था आपको, अदरवाइज दिक्कत आएगी। चलो नेक्स्ट में देख लेना फिर। हाँ, ओके, जो भी था ठीक है। अगर लिखते तो मैं ट्री आपको बना के देता, और मैं भी भूल गया लिखना ठीक है। बट आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में अगर बात करें तो सबसे पहले मान लो ये इन प्रोडक्शंस को नाम मैं दे रहा हूँ। लेट से दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ ठीक है। हाँ, तो माधवी जी आप बताना। मैंने प्रोडक्शंस को नाम दे दिया, सबसे पहले आपने प्रोडक्शन कौन सा यूज किया, टेल मी। जो भी पार्सिंग एल्गोरिदम के टाइम पे, टेल मी वंस। हाँ, यहाँ पे एक साथ लिख दो, एक साथ लिख दो जो भी सीक्वेंस में आपने यूज किया। अगर ट्री कंस्ट्रक्ट किया पैरेलली आपने यूज किया तो ओके। ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं ठीक है। आपने देखा सबसे पहले आपका आया था एस ऑन ओपन ब्रैकेट, तो आपने लिखा था, पहले आपने यूज किया था फर्स्ट प्रोडक्शन। उसके बाद आपने क्या किया था? यस, एस ऑन ओपन ब्रैकेट आपने किया था। उसके बाद आपने एल ऑन ए, आपने आई थिंक थर्ड वाला यूज किया था। वाले यूज किया था सर। पहले थर्ड वाला यूज किया था ना, यस सर। थर्ड वन के बाद आपका एल डैश एस आ गया था, फिर आपने सेकंड वाला यूज किया होगा। उसके बाद आप बोल सकते हो एल डैश ऑन कॉमा, आपने फिफ्थ वन यूज किया होगा। यस और नो? सर फिफ्थ वन के बाद आपने देखा अगेन आपने सेकंड वन यूज किया होगा, इजंट इट? सेकंड वन आपने यूज किया तो उसके बाद आप बोल सकते हो अगेन आपने और फिफ्थ यूज किया होगा दोबारा। यस और नो? फिफ्थ यूज किया होगा। उसके बाद आपने देखा होगा ये आपने यूज किया, तो उसके बाद अगेन आपने सेकंड यूज किया। सेकंड यूज करने के बाद आपने यस फोर्थ फोर्थ यूज किया आपने, यस सर। और उसके बाद कोई नहीं किया। नो सर। हाँ जी, तो ये सीक्वेंस थी, तो एक बार देख लेते हैं ट्री बनता है क्या। तो ये सीक्वेंस आपने उसी टाइम लिख लेते तो बेटर रहता। तो
तो फर्स्ट आपने यूज किया एस गोज टू ओपन ब्रैकेट एल कॉमन, ठीक है क्लोज ब्रैकेट। थर्ड आपने यूज किया तो एल गोज टू एस एल डैश। सेकेंड अगर आपने यूज किया तो एस गोज टू ए। फिफ्थ अगर आपने यूज किया तो आप बोल सकते हो एल डैश गोज टू कोमा एस एल डैश। फिर सेकेंड यूज किया तो एस गोज टू ए। उसके बाद फिफ्थ यूज किया तो सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने एस गोज टू ए। ये सेकेंड यूज किया आपने यस सर। उसके बाद आप बोल सकते हो एल डैश गोज टू कोमा एस एल डैश। उसके बाद सेकेंड यूज किया तो एस गोज टू ए। फिर फोर्थ यूज किया तो एल डैश गोज टू एप्सिलॉन। ये किया आपने ओके। अब लेफ्ट टू राइट देखो इसको रीड करो तो क्या आएगी स्ट्रिंग यस ओपन ब्रैकेट ए कोमा देन ए देन कोमा देन ए देन क्लोज ब्रैकेट। यस यही थी स्ट्रिंग आपकी यस करेक्टली isn't it? और आपने देखा डेरिवेशन करते टाइम आपने हमेशा लेफ्ट को पहले एक्सपेंड किया तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन था isn't it? Okay. ठीक है so, ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर पाओगे कोई दिक्कत तो नहीं है सर। हाँ जी आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम थे पर जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आएंगे ध्यान से देखना। अब ये पार्सिंग टेबल आपने जो लिखी ये कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं दैट इज द टास्क। ठीक है मान लो ग्रामर आपकी गिवन है इस ग्रामर के करस्पोंडिंग एक पार्सिंग टेबल होगी वो कैसे आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। सो राइट डाउन द प्रोसीजर और वी कैन से दैट LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन। तो आप बोल सकते हो टू फंक्शंस आर यूज्ड आपने पढ़े होंगे यस वी कैन से दैट यूजिंग फर्स्ट एंड फॉलो फंक्शंस वी कैन कंस्ट्रक्ट LL1 पार्सिंग टेबल। ठीक है तो फर्स्ट एंड फॉलो क्या होते हैं एक बार अपन देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है कई बार डायरेक्टली फर्स्ट फॉलो ही पूछ लेंगे आपसे। ठीक है तो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एंड फॉलो तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ध्यान से देखना। फर्स्ट एंड फॉलो फर्स्ट थोड़ा सिंपल होता है फॉलो थोड़ा अच्छा होता है मीन्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है नथिंग एल्स। सो एग्जाम्पल वन अगर अपन ले ध्यान से देखना कोई ग्रामर लिखी एस गोज टू ए बी बी सी और सी डी और ई एफ और लेट से एप्सिलॉन कुछ भी आपकी लिखी हुई है ध्यान से देखना। तो जब भी आप फर्स्ट एंड फॉलो निकालोगे तो उसमें हमेशा टर्मिनल्स आएंगे isn't it? तो ध्यान से देखना एस गोज टू इसमें कितने प्रोडक्शन है 1 2 3 4 5 प्रोडक्शन है। तो अगर आपको मान लो कोई वेरिएबल का फर्स्ट पूछेगा फर्स्ट ऑफ एस तो क्या करोगे इससे स्टार्ट होने वाले जितने भी प्रोडक्शन है उनका फर्स्ट लोगे। तो फर्स्ट ऑफ किसका लोगे ए बी का यूनियन विद फर्स्ट किसका लोगे बी सी का यूनियन विद फर्स्ट किसका लोगे सी डी का यूनियन विद फर्स्ट ऑफ ई एफ एंड यूनियन विद फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन isn't it? तो फर्स्ट ऑफ ए बी आपने देखा इसका टर्मिनल है एक सिंबल दैट इज ए तो यहां से आंसर आएगा या इसको आप सीधा लिख सकते हो दैट इज फर्स्ट ऑफ ए। इसमें भी इस ए बी का फर्स्ट क्या है फर्स्ट जो भी सिंबल है यूनियन इसमें फर्स्ट सिंबल क्या है बी इसका फर्स्ट का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सिंबल का फर्स्ट और यहाँ पे आपने लिखा फर्स्ट ऑफ ई और यहाँ पे आपने एज इट इज फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन दैट इज एप्सिलॉन ही आएगा। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ ध्यान से देखना फर्स्ट ऑफ ए ये टर्मिनल है तो एज इट इज आएगा ये बी आएगा ये सी आएगा ये ई आएगा ये एप्सिलॉन। तो आप बोल सकते हो फर्स्ट ऑफ एस क्या आएगा ए बी सी ई एप्सिलॉन isn't it क्लियर है यस टेल मी
ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। अब जरा ध्यान से देखना, एक और एग्जांपल लेंगे, एस गोज टू ए एस और बी। तो यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट आपसे एस का पूछूं तो दैट इज फर्स्ट ऑफ ए एस यूनियन विथ फर्स्ट ऑफ बी। तो इसका टर्मिनल है पहला, जो भी आपका लेटर है तो ए आ जाएगा, इसका फर्स्ट बी है, तो फर्स्ट ऑफ एस में आप बोल सकते हो ए एंड बी, ये आएंगे फर्स्ट ऑफ एस, isn't it? Okay. Next example लेते हैं, ध्यान से देखना। Next example, let's say S goes to A, B, C, E or F. Directly questions भी आते हैं first and follow के, और ये समझ नहीं आएंगे तो parsing table construct नहीं कर पाओगे। A goes to A or B or epsilon, B goes to C, D or epsilon, and C goes to G, H or epsilon. जी एच एप्सिलॉन। अब इससे आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ एस, तो क्या आएगा फर्स्ट ऑफ एस, टेल मी। फर्स्ट ऑफ एस से प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ए बी सी यूनियन विद फर्स्ट ऑफ ई यूनियन विद फर्स्ट ऑफ एफ। तो आपने देखा फर्स्ट ऑफ ई, तो ये टर्मिनल है, ई आएगा फर्स्ट सिंबल, ये एफ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी में आपने देखा इसमें फर्स्ट सिंबल क्या है, वेरिएबल है, तो इसको आप लिख सकते हो दैट इज फर्स्ट ऑफ ए, इजंट इट। एंड फर्स्ट ऑफ ए क्या क्या है देखना जरा, हाँ जी बोलिए जरा, फर्स्ट ऑफ ए क्या क्या है, ए बी, ए बी और एप्सिलॉन भी है। यस सर, यस एप्सिलॉन। आप ध्यान से देखना, जब ये एप्सिलॉन ए की जगह यहाँ पे पुट होगा, ध्यान से सुनना, हाँ जी, जब ये एप्सिलोन यहाँ पे पुट होगा तो ये बीसी बन जाएगा। एप्सिलोन मीन्स नथिंग, यस, हाँ जी, तो एप्सिलोन मीन्स नथिंग, नल स्ट्रिंग, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए एप्सिलोन यूज करते हैं। तो जब ये मान लो एप्सिलोन यहाँ पे लिखा होगा आपने, तो ये पूरा क्या बन जाएगा प्रोडक्शन में, बीसी, तो अब उसका फर्स्ट लेना पड़ेगा, तो इसको हटाएंगे अभी, ठीक है, और इसके जगह क्या लिखेंगे, ये किस में है, रिप्लेस हो जाएगा फर्स्ट ऑफ बी सी। अब फर्स्ट ऑफ बी सी का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ बी। अब बताना जरा फर्स्ट ऑफ बी क्या है, सी कॉमा डी है, डी है और एप्सिलॉन है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एप्सिलॉन जब ए पुट हुआ तब आप आगे बढ़े थे, ए जब आपका एप्सिलॉन पुट हुआ तो आगे बढ़े थे, फिर आपने इसमें बी सी का आपने फर्स्ट निकाला, दैट इज फर्स्ट ऑफ बी। अब बी के फर्स्ट सी डी ये टर्मिनल है, फिर एप्सिलॉन आ गया, तो बी भी अगर यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा तो क्या बचेगा, कैपिटल लेटर सी, यस और नो। तो जब एप्सिलॉन को पुट करोगे तो इसके करस्पोंडिंग इफेक्ट क्या होगा, दैट बिकम्स फर्स्ट ऑफ सी, इजंट इट। और जब फर्स्ट ऑफ सी क्या क्या आ सकते हैं आपके, जी एच एंड एप्सिलॉन, और जब यहाँ पे भी एप्सिलॉन आ जाएगा तो पूरा राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन, तो वो भी फर्स्ट में आएगा फिर, क्योंकि एक ही लेटर बचेगा लास्ट में, यस और नो। तो आप देखोगे कौन कौन से लेटर आ चुके हैं, ए बी सी डी जी एच ई एफ एप्सिलॉन, तो आप बोल सकते हो फर्स्ट ऑफ एस क्या आएगा, यस वी कैन से दैट ए बी सी डी G H E F epsilon. कोई डाउट है इसमें, टेल मी गाइस, क्लियर है या नहीं, टेल मी, क्लियर है सर, आगे बढ़े। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो बोल देना, क्लियर है, ओके क्लियर है। तो नेक्स्ट एग्जांपल बताओगे, एस गोज टू ए बी, ए गोज टू सी डी, सी गोज टू डी ई, डी गोज टू ई एफ, ई गोज टू ई, बताना व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ एस।
हाँ जी सोनिया जी, योर आंसर इज करेक्ट. जानवी जी, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट. एनी अदर? यस, व्हाट अबाउट अदर गाइस? यस माधवी जी, योर आंसर इज करेक्ट. यस, तो क्या आ रहा है आंसर? ई आ रहा है सभी का? यस सर. ओके, सो कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े. यस सर. So we can say that first of any symbol, let's say S, gives what? Gives a set of all terminals that लिख सकते हैं सब. यस सर. ओके, जो ऐसे स्ट्रिंग से डिराइव होंगी, जितने भी होंगी, उनमें फर्स्ट सिंबल जो टर्मिनल क्या आ सकता है, दैट इज द फर्स्ट, नथिंग एल्स, इजंट इट? तो इसमें आप बोल सकते हो, नोट में आप लिख सकते हो. कैसे फाइंड आउट करोगे? फर्स्ट वन, इफ अल्फा लेट्स से इज टर्मिनल, देन वी कैन से दैट फर्स्ट ऑफ अल्फा विल बी व्हाट? अल्फा ओनली. सेकंड वन, इफ अल्फा इज ए वेरिएबल, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं. फर्स्ट वन, इफ अल्फा गोज टू एप्सिलॉन, देन आप बोल सकते हो फर्स्ट ऑफ अल्फा विल बी व्हाट? फर्स्ट ऑफ, यस यू ओनली टेल मी, फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन, एंड फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन विल बी एप्सिलॉन ओनली, इजंट इट? अदरवाइज क्या हो सकता है? सेकंड केस मैं यहां पे लिख रहा हूं, ऊपर यहां पे नोट कर रहा हूं, ध्यान से देखना. सेकंड केस क्या हो सकता है यहां पे, कि मान लो अल्फा आपका था गोज टू एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री. एक्स वन गोज टू था ए और बी और एप्सिलॉन, एक्स टू आपका था लेट्स से सी और डी, इजंट इट? एंड एक्स थ्री भी ऐसे कुछ था, इजंट इट? तो यहाँ पे आपका क्या होगा? फर्स्ट ऑफ अल्फा आप क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ अल्फा इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री. और इसको आप कैसे लिखोगे? फर्स्ट ऑफ एक्स वन, एंड फर्स्ट ऑफ एक्स वन में क्या क्या आएंगे? ए, बी और एप्सिलॉन, इजंट इट? तो एप्सिलॉन को हटा के आप बोल सकते हो क्या आएगा? यस, एप्सिलॉन को हटा के एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन कर दे रहा हूं मैं, ये एक सेट आया माइनस एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन हट जाएगा. एंड यूनियन विद वी किससे करेंगे? एफ फर्स्ट ऑफ एक्स टू कोमा एक्स, x2 कोमा नहीं आएगा, ओनली x2, x3, ठीक है, एंड सो ऑन. क्लियर है? ओके, ऐसे आप फर्स्ट आप फाइंड आउट करोगे. सो ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, कुछ और एग्जांपल्स आप करोगे. राइट डाउन, एक ग्रामर आपको गिवन है, ई गोज टू टी ई डैस, ई डैस गोज टू एप्सिलॉन और प्लस टी ई डैस, and t goes to f t dash, and t dash goes to epsilon star f t dash, and f goes to i d or this one. तो आपको सारे जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं सभी के लिए फर्स्ट निकालने,
तो ये टेबल मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, इस टेबल में सारी एंट्रीज आपको फिल करनी है। यस, यहाँ पे आपको निकालना है फर्स्ट, किस किस का, ई के लिए निकालना है, ई डैश के लिए निकालना है, टी के लिए निकालना है, टी डैश के लिए निकालना है और एफ के लिए। क्या आएंगे, सभी के फर्स्ट निकालने, जितने भी वेरिएबल्स हैं। टेल मी वंस, डन। ई का करके बता देते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ई क्या आएगा, लिख सकते हो फर्स्ट ऑफ टी ई डैश, एंड फर्स्ट ऑफ टी ई डैश मींस फर्स्ट ऑफ टी, एंड फर्स्ट ऑफ टी क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ एफ टी डैश, यस और नो, एंड फर्स्ट ऑफ एफ टी डैश को लिख सकते हो फर्स्ट ऑफ एफ, फर्स्ट ऑफ एफ में क्या आएगा, आईडी एंड ओपन ब्रैकेट, तो यही आएगा। yes, और बताइए बी का, सेकंड ई डैश का, सर प्लस एंड एप्सिलॉन, ये तो सीधा ही दिख रहा है। यस सर, एप्सिलॉन एंड प्लस टी का अभी निकाला ही था आपने, आईडी आईडी एंड ओपन ब्रैकेट, ये तो निकाल चुके हो, अभी देखो बीच में कहीं आया था टी का फर्स्ट। यस सर, टी डैश का दिख रहा है साफ साफ। यस सर, एप्सिलॉन एंड और एफ का भी साफ साफ दिख रहा है, आईडी एंड। हाँ, तो एक स्टूडेंट ने मुझसे ई का पूछ लिया, वो ही निकालना था और तो निकालने ही नहीं थे, हाँ और तो सीधे दिख रहे थे। क्लियर है, कोई डाउट है तो बोलिए, आगे बढ़े। ओके, कोई भी डाउट हो तो बोल देना, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आएंगे फर्स्ट एंड फॉलो से और ये यूज भी होंगे। जो अभी आपने LL1 पार्सिंग टेबल देखी थी, जो गिवन थी वो कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं उसके लिए यूज होंगे। यस, एस गोज टू ए बी डी एच, B goes to C C, C goes to B C or epsilon, and D goes to E F, E goes to G or epsilon, and F goes to F or epsilon. सारे जितने भी variables हैं सभी के लिए first निकालना है।
जितने भी वेरिएबल्स हैं सभी के लिए फर्स्ट निकालना है। डन, तो ये क्या आएगा, ए देन सी देन बी एप्सिलॉन जी एफ एप्सिलॉन जी और एप्सिलॉन एफ और एप्सिलॉन। कोई डाउट है किसी को, किसी स्टूडेंट को डाउट है इनमें? यस टेल मी। डी, यस, फर्स्ट ऑफ डी क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ डी मींस फर्स्ट ऑफ ई एफ, एंड फर्स्ट ऑफ ई एफ क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ई, एंड फर्स्ट ऑफ ई से जी और एप्सिलॉन आएगा। बट देखो जब यहां पे ई पे एप्सिलॉन पुट होगा तो ये एफ ही बन जाएगा, तो एप्सिलॉन की वजह से अपना क्या आएगा, ये बन जाएगा फर्स्ट ऑफ एफ। ये देखो यहाँ पे ई की जगह एप्सिलॉन पुट कर दोगे तो फर्स्ट ऑफ एफ कितना आएगा, यस एफ एंड एप्सिलॉन, तो कौन कौन से आएंगे, जी एफ एप्सिलॉन, इजंट इट, ओके। आगे बढ़े, यस टेल मी, यस सर, ओके, ठीक है। तो ये आपने फर्स्ट देखा, ठीक है, कल अपन फॉलो करेंगे, फर्स्ट के कुछ एग्जांपल्स करेंगे, तो यहीं पे आज सेशन क्लोज करते हैं, इजंट इट, ओके गाइस, ठीक है, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सो मच। और कोई डाउट है किसी को? हाँ जी, कोई डाउट है तो बोलिए, ओके ओके गाइज, थैंक यू सो मच।